काम करते हैं, इंटरसेप्ट को भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब इसमें हमें एक सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स इंटरसेक्ट सरफेस देखना है इसके लिए, तो हमें सरफेस को देखना पड़ेगा पहले, ये देखेंगे उसके बाद आएंगे। तो बेसिक समझने के लिए चाहे तो हम इसको अभी एक प्लेन के थ्रू मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है, किस तरीके से हम इंटरसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ और कर देते हैं, ठीक है, इसको ले डालता हूँ। ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है, एक प्लेन है, ये मेरा प्लेन है और इसके एक पैरेलल प्लेन है, मैं पैरेलल प्लेन बना रहा हूँ, कंट्रोल यूज़ करके मैंने क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा कितना दिख रहा है, हाँ इतने डिस्टेंस पर दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक मेरे पास फ्रंट प्लेन है, इसको शो कर लेता हूँ। ठीक है, दो प्लेन मेरे पैरेलल है, एक मैं और काम करता हूँ, एक टॉप प्लेन है मेरे पास, ठीक है, और इसके पैरेलल पे एक प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और इसको भी शो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं, ये हमारे प्लेन, अगर इसको मैं थोड़ा बढ़ा लूँ और इसको भी थोड़ा बढ़ा दूँ, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये दो ये सारे प्लेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। और ऐसे ही मैं सेम चीज़ करता हूँ ज़रा राइट प्लेन के लिए, अगर राइट प्लेन के पैरेलल मैंने एक प्लेन बना लिया, कंट्रोल यूज़ किया मैंने, उसको इधर ट्रैक किया और थोड़ा इस तरीके का बना लिया। ठीक है, इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, शो कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सारे सारे प्लेन जो है हमारे क्रॉस लिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे कहीं ना कहीं क्रॉस लिंक हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ हमारा वॉल्यूम क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, इनसाइड पे। तो अगर मुझे जो वॉल्यूम इनसाइड पे क्रिएट हो रहा है सारे प्लेन्स के कट करने की वजह से, अगर मुझे वो वर्क वॉल्यूम चाहिए, वो मुझे मतलब मटेरियल वॉल्यूम चाहिए, बॉडी वॉल्यूम किस तरह को, ठीक है, तो वो अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँ, उसके लिए यूज़ होता है हमारा इंटरसेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से तो इसका तब समझ में आएगा जब हम सरफेस सीखेंगे, अभी फिलहाल इसके लिए देखते हैं सर किस तरीके से हम प्लेन के थ्रू अपना क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मैं क्या करूँगा, सारे प्लेन जितने हैं सबको सिलेक्ट करूँगा बारी बारी से, और कितने हो गए हमारे, एक फ्रंट राइट टॉप प्लेन 1 2 3 सारे सिलेक्ट कर, ठीक है, क्रिएट इंटरसेक्टिंग रीजन, क्रिएट इंटरसेक्ट इंटरनल रीजन, क्रिएट बोथ, हमें क्या चाहिए, इंटरनल रीजन चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया, इंटरसेक्टिंग रीजन चाहिए, ओह सॉरी इंटरसेक्ट नहीं करा मैंने, तो पहले मैं क्या करूँगा, ये सबको सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा जो अंदर का वॉल्यूम है, मतलब जहाँ जहाँ पे ये प्लेन आपने क्रॉस मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो हमारे ये इंटरनल रीजन में दिखाते हैं। आप देखो, क्रिएट इंटरनल रीजन, क्रिएट इंटरसेक्ट रीजन तो दिखाएगा नहीं, इंटरनल रीजन ये है हमारा वर्कफोल। अच्छा, इस पर क्लिक करके मैं इंटरसेक्ट क्लिक करता हूँ तो क्या आएगा, देखो सेम चीज़ आ रही है, क्योंकि उतना ही वर्क वॉल्यूम है हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है, जो हमारा जो प्लेन्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, अगर वो आपस में कहीं क्रॉस लिंक हो रहे हैं तो वो एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उनकी एजेस, जिस जिस एजेस पे प्लेन आपस में क्रॉस कर रहे होंगे, वहाँ से एक वर्क वॉल्यूम क्रिएट कर, हमारे क्यूबिकल बॉडी जैसे ही बन गई, क्यूबॉडिकल बॉडी बन गई। ठीक है, तो इसका यूज़ है, भी सरफेस सीखेंगे तब समझ में आएगा इसका अच्छे से, अभी इसको हटाते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ तक आए तो इसको हाइड करते हैं, आप किस तरीके से एक इंक्लाइंट प्लेन बना सकते हो, सपोज मेरे पास ये फ्रंट प्लेन है, हाँ सपोज टॉप प्लेन देखते हैं, इसको शो करते हैं, अब किस तरीके से आप इस टॉप प्लेन के इंक्लाइंट एक प्लेन बना सकते हो। ठीक है, तो इंक्लाइंट प्लेन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन बनाना है जो मुझे टॉप प्लेन से इंक्लाइन पे हो, कुछ एंगल पे हो, सपोज 45 डिग्री पे हो, तो मैं क्या करूँगा, एक देखो इसके लिए बनाते हैं, मैं बना लेता हूँ टॉप प्लेन, टॉप प्लेन पे मैंने स्केच कर दिया एक, नहीं टॉप प्लेन
कंट्रोल इट, मैं एक सेंटर लाइन बनाता हूँ। ये लाइन मेरा वो रेफरेंस का काम करेगा जहाँ से ये प्लेन मतलब इंक्लाइन बनेगा, ठीक है। तो मैंने एक लाइन बना ली, ओके कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने फीचर्स पे, रेफरेंस प्लेन पे और प्लेन पे। अभी देखो, हमने पहले पैरेलल प्लेन्स की बात की थी, तो हमने बोला था कि सेकंड और थर्ड रेफरेंस का हमें यूज़ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड और सेकंड रेफरेंस का यूज़ होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रेफरेंस हमें वो बताना है जिसके अबाउट हमें प्लेन को इंक्लाइन प्लेन बनाना है, टॉप प्लेन, ठीक है। और हमें चाहिए इंक्लाइन, तो हमारा सेकंड रेफरेंस क्या हो जाएगा, ये। अब देखो, इसने बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री बना दिया, अब हमें 90 नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एंगल क्रिएट करेंगे। ये देखो, ये जितने एंगल पे हमें इस प्लेन को चाहिए, सपोज 45 चाहिए, तो हम इसको क्या कर देंगे, 45 डिग्री एंगल लाए और इसको हमने ओके कर दिया। एक तरीका तो ये है सिंगल लाइन के थ्रू, ठीक है। सिंगल लाइन से फ़ायदा क्या है कि हमें अगर इस प्लेन का एंगल चेंज करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ गए और प्लेन पे गए और यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, एंगल यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यही फ्लिप ऑफसेट अगर मैं करूँ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लेन बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, कैसे देखते हैं। अब सपोज मेरा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा एक स्केच बना हुआ है टॉप लेन पर, इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। दूसरा स्केच बनाता हूँ कहाँ, फ्रंट लेन, जो इसके परपेंडिकुलर है, फिर भी मैं सेंटर लाइन बना देता हूँ एक जो इसके मिड से पास हो, ठीक है। और ये कुछ इससे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को रखना है एंगल पे, तो मुझे करना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। से इसको मुझे रखना है 45 पे, ठीक है। अब मेरा क्या है, अब देखो, अब यहाँ से भी मैं लाइन क्रिएट कर देता हूँ, कैसे। देखो, मैं गया रेफरेंस प्लेन पे, अब मैंने फर्स्ट रेफरेंस पे या तो मैं टॉप लाइन ले सकता हूँ या तो मैं सिंपली ले लूँ ये लाइन, मैंने ये ले ली लाइन, ठीक है। सेकंड रेफरेंस पे मैंने दे दिया इसको, ठीक है। देखो, ये प्लेन मेरा बन गया, ठीक है। तो पहले तरीके से हम बना सकते हैं टॉप लाइन पहले ले करके, फिर उसके बाद उस रेफरेंस लाइन को जो मैंने उसका बनाया था, फिर उसके अबाउट हम किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा क्या है, प्लेन मेरा इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट बना, ठीक है। तो ये मेरा कहीं जाएगा नहीं। अब मैं सपोज मुझे एंगल चेंज करना है, तो मैं सीधे क्या करूँगा, जो मैंने स्केच बनाया हुआ है उसमें जो एंगल दिया है उसको मैं सिंपली चेंज कर दूँगा, ठीक है। ये चेंज कर दिया, मेरा उतने एंगल पर मेरा प्लेन बन जाएगा, ठीक है। सपोज वही है कि अब जैसे मेरा यहाँ पे कोई एक स्केच था, और सपोज मेरा कोई सर्कल था, छोटा सा सर्कल बना लिया, ओके कर दिया, ठीक है। और मैंने कोई एक स्केच अपने स्टॉप लेंथ पर बनाया, सपोज सर्कल ही बना देता हूँ, ठीक है। और मैंने लॉफ्ट के बारे में बताया था कि लॉफ्ट हम दो परपेंडिकुलर प्लेन, दो पैरेलल प्लेन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मेरे दो प्लेन 80 डिग्री के एंगल पे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा काम बनेगा, यहाँ पर मैंने दोनों को सेट किया, पर देखो बाई डिफॉल्ट इसने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बाकी मैंने बताया था कि कंस्ट्रेंट किस तरीके से यूज़ करते हैं, थोड़ा नॉर्मल टू प्रोफाइल करेंगे तो ये हमारा पहले थोड़ा स्ट्रेट होगा, फिर कर्व क्रिएट करेगा। और सेम चीज़ एन कंस्ट्रेंट पे भी अगर यूज़ करूँ तो मेरा स्लिप से ड्रोन बन जाएगा, ठीक है। और इसको मैं, जैसे मेरा सॉलिड है तो सॉलिड के लिए मैं इसको शेल कर सकता हूँ, ठीक है। तो शेल करूँगा तो मैं इस पेज को सेल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये ओपन है, तो ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी सेल करूँगा
और इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, तो दोनों कैसे सिलेक्ट हो जाएंगी, तो दोनों ऐड ओपन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कितना कर देता हूँ, 2 mm कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा दोनों साइड से ओपन हो गया। ठीक है, चेक करो फेस को, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो करो पे मैं आकर क्लिक करूँगा, तो ये इसको एरर देना चाहिए वैसे। ठीक है, तो मैं कर इसकी जगह पे इसको स्किप कर दूँ, क्या आएगा, एरर आएगी क्यों, क्योंकि वहाँ फ्लैट सर्फेस नहीं मिल रहा उसको, इस वजह से एरर दे रहा है। तो इसको फ्लैट सर्फेस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ था कि प्लेन हम किस तरीके से इनक्लाइंड बना सकते हैं। अब इस इनक्लाइंड प्लेन का और ये जो हम प्लेन बनाते हैं कई तरीके से, इसका यूज एक और होता है, स्वेप्ट। स्वेप्ट हमने स्वेप्ट देखा था। ठीक है, स्वेप्ट में कैसे काम आता है ये देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे स्वेप्ट के लिए हमने क्या देखा था कि हमारे पास कोई दो अलग अलग स्केचेस होते हैं, जिसमें एक प्रोफाइल का काम करता है और एक हमारा किसका काम करता है, पाथ का। तो सपोज मेरे पास कोई ये इस तरीके का हमारा एक पाथ है और एक प्रोफाइल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्रंट प्लेन है, हमने इसको बना दिया। अब मैं यार कोई भी एक प्लेन ले सकता हूँ जिसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सपोज ये लूँगा, तो मेरा क्या है, मुझे एक स्केच बनाना पड़ेगा यहाँ पे, जो मेरा प्रोफाइल का काम करेगा, और उसके साथ इसको पीएस कराऊंगा, तो मेरा वो कहीं मिड पे यहाँ पे बनेगा जहाँ पे ये प्लेन हो। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा स्केच इस पॉइंट पे बने और ये मेरे यहाँ से यहाँ तक कटे वर्क करे। तो लेकिन मुझे इस पॉइंट पे कोई प्लेन तो है जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो वो परपेंडिकुलर प्लेन जो है मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सीधे फीचर्स पे जाऊँगा और रेफरेंस प्लेन पे जाऊँगा। अब मेरा रेफरेंस प्लेन, अब मुझे प्लेन क्रिएट करना है, कैसा प्लेन, जो इस कर्व के, जो इस कर्व का जो एंड पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट रेफरेंस में अपनी ये लाइन ले ली। ठीक है, अभी देखो इसने प्लेन कैसा क्रिएट कर दिया, इस लाइन के लिए एक प्लेन समझते हुए लाइन के अबाउट प्लेन बना दिया उसके पैर। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए इस पॉइंट के अबाउट, तो हमारा सेकेंड रेफरेंस में क्या देंगे, हम इस पॉइंट को देंगे। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे इसने जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन बना दिया, जिस पॉइंट से ये पास हो रहा होगा। ठीक है, अब मैं जैसे इस पे परपेंडिकुलर प्लेन पे अपना कोई ये बना लूँ। ठीक है, जिसमें मैंने बना लिया ये। ठीक है, और इसको मैं जैसे 3 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दोनों पाथ भी है, प्रोफाइल भी है, तो मैं सीधे स्वेप्ट जाऊँगा। और मेरा ये प्रोफाइल है, ये पाथ है। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बन गया। अब मेरा यहाँ पे देखो, जब हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसके इस तरफ कोई मतलब पाथ नहीं है, तो वो पूरा इस तरफ कंसिडर कर रहा है। अब देखो इसमें मैंने एक चीज़ देखी थी कि ये गाइड कर्व के बारे में तो हमने डिस्कस किया था, ऑप्शन पे हम गए थे, प्रोफाइल फॉलो प्रोफाइल आ रहा था। ठीक है, प्रोफाइल किस तरीके से काम कर रहा है, ट्विस्ट होल। अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने ड्रॉ क्या किया है, ट्रायंगल, लेकिन हम चाहते हैं कि सर्कुलर ही हमारा रहे। ठीक है, तो ये क्या करके सर्कल भी बना देंगे बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमें तो अपना प्रोफाइल चाहिए, स्केच प्रोफाइल। ठीक है, तो हमारा ये प्रोफाइल कैसा है, ये वाला। अब देखो हम इसको ट्विस्ट करा सकते हैं अपने पास के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गए। ठीक है, देखो ये डिग्री देगा, ट्विस्ट कैसे करना है, रेवोल्यूशन में, रेडियन में, डिग्री में, मैं कर लेता हूँ रेवोल्यूशन। ओके, देखो एक रेवोल्यूशन में इतना ट्विस्ट हुआ, दो में इतना ट्विस्ट हुआ, तो इस तरीके से आप इसको ज़रूरत है हम ट्विस्ट भी करा सकते हैं अपने जो हमारा स्वेप्ट है उसको। ठीक है, तो ये यूज होता है ट्विस्ट में। वहाँ पे हमने पहले जब देखा था तो वहाँ पे सर्कुलर था, तो सर्कुलर में ट्विस्ट हमें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इस बार एक ट्रायंगुलर बॉडी बनाई, ट्रायंगुलर जो प्रोफाइल हमारा वो देखा, तो उसमें ट्विस्ट दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे इलिप्स बनाएंगे तो उसमें भी दिखेगा। ठीक है, ये हमारा था कुछ किस तरीके से हम प्लेन बना सकते हैं किसी एक लाइन के अबाउट, उसके परपेंडिकुलर एंड पे परपेंडिकुलर
ठीक है, और दूसरा हम देखा कि किसी प्लेन के से कुछ एंगल पे अगर प्लेन बना हो तो वो कैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा इसमें कुछ और चीज़ें क्या हैं, इस फीचर्स वाले पोर्शन को ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ें और देखते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा जो फीचर्स का जितने भी टूल्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और इसमें कुछ जो हमने अभी टूल्स छोड़े हैं वो क्या हैं, वो कुछ इसमें पैटर्न में हैं, अब वो सब समझ में आएंगे जब हम सरफेस पढ़ेंगे, और इंटरसेक्ट है और बाकी सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट ही होंगी, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसको पहले डिलीट करते हैं। एक छोटी चीज़ है, ज़रा देखते हैं कि हम जैसे स्प्रिंग हमें बनाना है सपोज, तो स्प्रिंग बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक स्प्रिंग तो देखी होगी कि मतलब एक स्पायरल सा बना होता है सेम रेडियस का एंड टू एंड तक, और उसमें को कुछ प्रोफाइल टाइप का होता है, सर्कुलर होगा तो सर्कुलर, मोस्ट ऑफ केसेस सर्कुलर ही होता है। तो देखते हैं कि हम किस तरीके से एक स्प्रिंग बना सकते हैं, और हमारा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हेलिक्स और स्पायरल, उसको कैसे यूज करें, ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं, टॉप प्लेन पे जाते हैं, एक स्केच बनाते हैं, बेस सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी हमारा बन गया है बेस सर्कल, ठीक है। हमें बनाना है क्या, स्प्रिंग। स्प्रिंग बनाने के लिए हम क्या गए, फीचर्स पे गए और हेलिक्स स्पायरल पे गए। जो ये बोल रहा है कि इसके सेलेक्ट करो जिसका हेलिक्स क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैंने इसको लिया और देखो ये बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसे जनरेट कर दिया, ठीक है। तो हम पिच कंट्रोल करेंगे, पिच 5 mm रख देंगे, थोड़ी और बढ़ा देते हैं, 20 mm रख देते हैं, और ये देखो रेवोल्यूशन कितने रखने हैं वो बता रहा है, तो रेवोल्यूशन अगर बढ़ाने हैं तो हम बढ़ा सकते हैं कितने रेवोल्यूशन रखना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये कितने चेंज कर रहा है, हर मतलब 1/4 जो रेवोल्यूशन वो दिखा रहा है, +1/4 +1/4 ऐसे ऐड कर रहा है। स्टार्ट एंगल सपोज आपका 0 है, या आपको कहीं और से स्टार्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। सपोज आपको 45 से स्टार्ट करना है तो ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। और डायरेक्शन अगर रिवर्स करनी है, जैसे ये भी अगर टॉप से देखें तो ये क्लॉक वाइज जा रहा है, और रिवर्स कर देंगे तो टॉप से देखने से ये कैसे जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज। हाँ एक्चुअली ये जा क्लॉक वाइज ही रहा है, लेकिन अपना प्रोफाइल से डाउनवर्ड दिखा रहा है। अच्छा, जो हमारा क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चेंज होगा वो हमारा ये लिखा होगा, ठीक है। क्लॉक वाइज अभी दिखा रहा है, काउंटर क्लॉक वाइज सपोज ये डायरेक्शन, इसको जरा ऊपर कर दें, ठीक है। तो अभी हमारा टॉप व्यू से जो हमारा काउंटर क्लॉक वाइज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पिच भी कंट्रोल की जा सकती है, जैसे हमें चाहिए कि यहाँ से शुरू हो तो यूनिफॉर्म पिच बढ़ती रहे, तो बढ़ती रहे बढ़ती रहे, इस तरीके से वेरिएबल पिच का यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम पहली पिच अलग, दूसरी पिच अलग, ठीक है, ये सब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मुझे चाहिए अब मेरा जब शुरू हो तो वो 30 से शुरू हो, ठीक है। अब जब यहाँ से जब बनाएंगे हम, आइडिया हुआ है रेवोल्यूशन इतने पे, ठीक है। देखो ये देखो, अगर इसको थोड़ा देखें तो ये कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे कम है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब कहाँ पर कितने बढ़ाएंगे, एक कॉस्टिंग फैक्टर के साथ वो बढ़ाता रहेगा। और इसको अगर रेवोल्यूशन में चेंज कर दूँगी, इसको कर दूँ 10, तो वो 10 तक बनाता रहेगा, कब तक, जब तक 30 पीस नहीं हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये काम करते हैं। तो ये था हमारा कुछ इस, अभी अब वही हमें देखना है कि अब एक्चुअल में स्प्रिंग हमारी कैसे बनेगी, ठीक है। तो वो है, इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ जो मेरा स्केच बना था, ताकि मुझे स्क्रीन दिखे, तो मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरी प्रॉपर स्क्रीन दिख रही है। हाँ, तो अब क्या करूँगा मैं, जो अभी मैं रिसेंट में अभी एक चीज़ सीखी थी कि किस तरीके से प्लेन बना सकते हैं हम किसी भी कर्व पे, कर्व के परपेंडिकुलर एंड पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला मैंने रेफरेंस ये दे दिया, और सेकेंड रेफरेंस दे दिया मैंने इसका ये पॉइंट, तो
तो मेरा इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर प्लेन बन गया, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस पर एक स्केच बना लेता हूँ, स्प्रिंग बनाना है तो मैं सर्कुलर बना लूँगा, ठीक है। आप सपोज जैसे ये मेरा सर्कल है वही कहीं भी बन गया है, ठीक है, इससे अटैच नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा इसका ये पॉइंट ले करके, इसका ये पॉइंट ले लेता हूँ और ये पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका मैं क्या देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ सर्कल, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिया सर्कल और इसके सेंटर को यहाँ से सेंटर हिट नहीं कर रहा, ठीक है। चलो ये बना लेता हूँ, मुझे कैसे चाहिए ये लाइन और ये पॉइंट, ठीक है, मुझे ये स्पायरल और ये पॉइंट, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ कहीं पे क्लियर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर लेते हैं, काफी बड़ा हो रहा है, रेडियस कम कर देते हैं, था 5 का, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ, ठीक है। इसका जो मैंने एंगल चेंज किया था ना, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ का ही बन रहा है, ठीक है, और हमने पियर्स करा दिया अपने इस। तो हम क्या करते हैं, सर्व कर लेते हैं। तो हमारा ये जो है प्रोफाइल है, ये हमारा जो है पाथ है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों तक बन गया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वो डायरेक्शन करने का, ठीक है। तो ये हमारे पीछे स्ट्रिंग बन गई और इसके डाया को बढ़ा सकते हैं जो हमारा सर्कल बनाया, कर देता है टैग, मैम जी इतना रखना है ताकि ओवरलैप ना करें दूसरे का, ठीक है। ओवरलैप से बचना है तो मुझे पिच बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी, ठीक है, अभी ओके। तो ये मेरा ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, और ठीक है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ और ये प्लेन हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी स्प्रिंग दे रही है, तो इस तरीके से स्प्रिंग बना सकते हैं। और ये हॉलो है तो हॉलो भी कर सकते हैं, हॉलो की वही सेम यूज़ कर सकते हैं, शेल यूज़ कर लें। और इसको अगर मैं यहाँ पे लेकर के शो कर दूँ और मेरा दो की जगह पे बना लूँ कर दूँ इसको, तो फेस पे मुझे दोनों चाहिए होंगे ताकि मेरा ओपन रहे। तो ये मेरा हॉलो स्प्रिंग बन गई, ठीक है। हॉलो को वैसे यूज नहीं हो रहा, हमारे स्प्रिंग तो सॉलिड ही होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे टूल्स हैं वो फीचर्स के वो ख़त्म हो गए, जो हमारे जो बचे हुए टूल्स हैं वो हम सीखेंगे जब हम सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू देते हैं सरफेस में क्या है, जो चीज़ें हमने यहाँ पे फीचर्स पे देखी हैं ज़्यादातर टूल हमारे सेम है, जैसे एक्सट्रूड बेस को सीखा है, यहाँ पे एक्सट्रूड सरफेस है, ठीक है, रिवॉल्व सरफेस है, स्विफ्ट है, लॉफ्ट है, बाउंड्री है, और फील्ड सरफेस है, यहाँ पे फील्ड और ये बाउंड्री भी जो है बाउंड्री बेस एंड बोल्स है, वैसे यहाँ पे बाउंड्री है हमारा, और फील्ड सरफेस हमारा कुछ अलग है, ठीक है, और एक फ्री फॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा, और बाकी फिलेट है, फिलेट फ्रेम वर्क करता है जैसे हमारा इसमें फीचर्स में था, ठीक है, इसीलिए उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं है, जहाँ पे था वहीं है,
ठीक है, बाकी हमारा ये नीट आता है और ये सारी चीज़ें, तो इनके बारे में देखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी तक जो अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में आप पूछें। और ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, पहले इसको शुरू करने से पहले कुछ एक दो एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद आते हैं हम अपना सरफेस पे।